1281 मार्ग में आसन प्रातः पूजा भोजन। 5 दिन नेफाड़ में निवास करने के उपरांत भगवान ने एक दिन प्रातः काल के समय वहां से प्रस्थान किया। रास्ते में चलते हुए खांडे बड़ाड़ी के पास एक कांटेदार वृक्ष के नीचे भगवान आसन पर विराजमान हुए। वहां 22 भक्ति जिन्होंने मिलकर प्रातः काल के समय भगवान की पूजा अर्चना की और उसके बाद भगवान ने वहां भोजन किया। लीला का हेतु। प्रतिदिन के नियम को पूरा करने के लिए मार्ग में भगवान आसन पर विराजमान हुए। वहां अन्य कोई विशेष हेतु नहीं था। आसन पर विराजमान होने का साधारण संबंध ही हुआ। मनुष्य स्वभाव की यह लीला मानी गई है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 281 यहां संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 282 गंगा जल में क्रीड़ा और नाथोबा के पिता की ग्रह निवृत्ति। वहां से आगे बढ़ते हुए भगवान नांदोरा गांव के पास गोदावरी नदी के ऊंचे किनारे पर विद्यमान एक गहरे पानी के स्थान पर पहुंचे। वहां पास में ही मध्यमेश्वर नाम का मंदिर था। उसके अग्नि कोने में चास गहरे पानी वाला ऊंचा स्थान था। वहां भगवान पहुंचे। सभी भक्तिजन भी उनके साथ थे। वहां भगवान ने गहरे पानी में जल क्रीड़ा करने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने उस ऊंचे किनारे पर कपड़े उतार कर रखे और पानी में तैरने के लिए चले गए। उसके बाद सभी भक्तिजन भी वहां गंगा के पानी में प्रवेश कर गए। भगवान वहां खेल क्रीड़ा करते हुए भक्तिजनों को बारी बारी से पानी में डुबकियां लगवाने लगे। इस प्रकार थोड़ी देर खेल क्रीड़ा करने के बाद पानी में तैरते हुए नदी के किनारे के साथ आगे बढ़ते गए। फिर भगवान ने बाईसा से उपहास हंसी मजाक करते हुए कहा, माता बस हम ऐसे ही यहां से चले जाएंगे और वापिस नहीं आएंगे। यह सुनकर बाईसा नदी के दूसरे किनारे पर चिल्लाती हुई कहने लगी, भगवान बहुत हो गया, अब तैरने का काम बंद कर दे। इस पर डखरे ने भी बाईसा से कह दिया, मैं भगवान के साथ ऐसे ही चला जाऊंगा और वहां दूसरे किनारे पर जाकर भगवान के लिए गांव से भिक्षा मांग लाऊंगा, फिर उन्हें भोजन करा दूंगा। माता अब भगवान वापिस नहीं आते, अब वापिस चली जाएं। इस पर बाईसा ने डखले को कहा, अरे डखले तू चुप कर, चुप होता है कि नहीं। फिर भगवान को संबोधित करते हुए बाईसा ने कहा, भगवान अब आपने बहुत तैर लिया, समय भी बहुत हो गया है, अब तैरना बंद कर दीजिए। इस पर भगवान ने भक्तिजनों से कहा, बस अब तैरना बंद करो, बाईसा बहुत घबरा रही है, बस अब इस खेल को बंद कर दो। तब भगवान ने भी तैरने का काम बंद कर दिया और वे अपने वस्त्र पहनकर ऊपर नदी के तट पर आ गए। नदी के दोनों किनारों के संगम पर वहां एक ऊंचा चबूतरा था। उस पर बाईसा ने भगवान के बैठने के लिए आसन लगाया। उस पर भगवान विराजमान हुए। वहीं आसन पर बैठे हुए भगवान ने नाथोबा को अपने पास बुलाया और उससे कहा, नाथोबा बल्ले ग्राम में बहुत भूत हैं, तुम्हारे पिता भी भूत योनि में गए हुए हैं, वहां से उन्हें मुक्त करवा देते हैं, तुम वहां सामने पानी में जाकर उनके नाम से एक डुबकी लगाओ, हम उन्हें वहां से मुक्ति दिलवा देते हैं। भगवान की आज्ञा को मानकर नाथोबा ने सामने पानी में जाकर और वहां खड़े होकर अपने पिता पुरुषोत्तम का नाम लेकर उनकी ग्रह दशा से मुक्ति की कामना से पानी में एक डुबकी लगाई। उसके बाद भगवान ने नाथोबा से कहा, नाथोबा तुम्हारे पिता को हमने भूत योनि से मुक्त करवा दिया है, अब चिंता की कोई बात नहीं रही, उन्हें मुक्ति मिल गई है। लीला का हेतु। गहरे पानी में जल क्रीड़ा करने के उपरांत भगवान गंगा के दो पाटों के बीच विद्यमान किनारे पर विराजमान हुए और फिर भगवान ने नाथोबा को पानी में डुबकी लगवाकर उसके पिता को भूत योनि से मुक्त करवाया। किसी सतपात्र के शोक के कारण नाथोबा के पिता को ग्रह योनि में जाना पड़ा। नाथोबा बोधवंत और अनुसरणशील व्यक्ति थे, इसलिए भगवान ने कनव के कारण नाथोबा के पिता को ग्रह योनि से मुक्त करवा दिया। जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के पिता पंडू को यज्ञ करवाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। पारस के दृष्टांत के अनुसार अनुसरण वाले पुरुष के माता पिता को भी पुण्य प्राप्त होता है। यह निवृत्ति मार्ग की लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 282 यहां संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 283 मध्यमेश्वर में बीड़ा समर्पण और आदित्य मंदिर में निवास। वहां से भगवान भक्तिजनों के साथ मध्यमेश्वर के मंदिर में गए। वहां मध्यमेश्वर की पिंडी पर भगवान ने भक्तिजनों से बीड़ा समर्पित करवाया। वहां विद्यमान चौकी पर भगवान विराजमान हुए। वहां से फिर वे आदित्य के मंदिर में गए। वहीं उस रात भगवान ने विश्राम किया। लीला का हेतु। भगवान ने मध्यमेश्वर में उपाध्याय के हाथों से बीड़ा समर्पित करवाया था और स्वयं भी बीड़े को हाथ लगाया था। उपाध्याय के हाथों से बीड़ा समर्पित करवाने पर भगवान ने उसके संत असंत कर्मों का नाश करवाया था।
स्वयं अपने हाथों को लगाकर भगवान ने वहां विद्यमान गृहत्व के जीव के असंत कर्मों का नाश किया था। हरिपाल देव को भी लिंग की पूजा की श्रद्धा थी, भगवान ने उसकी श्रद्धा को भी पूरा किया, वहां की देवता को भी उसका ही आनंद बढ़ा दिया। इससे पूर्व किसी अन्य अवतार का भी वहां संबंध था, उसे सम्मान भी दिया। ऐसे अनेक कारण थे वहां बीड़ा समर्पित करने के। नांदूर के आदित्य मंदिर में रात को निवास करके भगवान ने उस स्थान को सामान्य रूप से संबंध दिया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 283 यहां संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 284 कानलस के शिव मंदिर में निवास। नांदूर से भगवान कानलस गांव में पहुंचे, वहां के अलनेश्वर मंदिर में उन्होंने उस रात निवास किया। लीला का हेतु, भगवान ने कानलस के अलनेश्वर मंदिर में एक रात निवास कर इस स्थान को सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 284 यहां संपूर्ण होती है। प्रणाम, जय श्री कृष्ण।